बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 16 मई का आगाज हो चुका है और गुज़श्ता रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने चांद रात का नाम दिया था। अब से कुछ ही घंटों के बाद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना है। वीडियो लिंक के जरिए तकरीबन 373 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, यानी कि एक साल से ऊपर का टाइम गुजर गया है। ये 376 दिन के बाद इमरान खान को पहली बार आवाम जो है वो देखने जा रही है। और अब तहरीक इंसाफ के लिए इतना खुशी का मौका है। और अभी तक की मालूमात के मुताबिक अरेंजमेंट्स कैसे हो रही हैं और पेश किया जाना है नहीं किया जाना, इसका फैसला भी हो चुका है और ये पॉजिटिव ही है हर तरफ। लेकिन खबर नाज़रीन किराम इससे भी बड़ी है। तहरीक इंसाफ की जो जिसे वो चांद रात कह रहे हैं, इस चांद रात को जब तहरीक इंसाफ वाले बड़े खुश हैं कि आज जो है वो इमरान खान को पेश किया जाना है, तो रात गए आप यूं समझिए कि नून लीग की पूरी सियासत का जनाजा उठ चुका है। वो इस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे की खबरें, मैंने पिछली वीडियो में कल रात अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था एक बहुत बड़े इस्तीफे की खबर है मेरे पास। शहबाज शरीफ के इस्तीफे, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, शहबाज शरीफ के इस्तीफे की खबरें गर्दिश कर रही है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात और सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला है, ये इस्तीफा जुड़ा हुआ है मोहम्मद बिन सलमान से। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस्तीफा दिलवा रहे हैं, ये क्या मामला है? नुसरत जावेद की इस खबर के बाद तो जैसे आप यूं समझिए कि भोंचाल आया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। ये क्या कहानी है? शहबाज शरीफ क्या वाकई इस्तीफा देने जा रहे हैं और इसका ताल्लुक मोहम्मद बिन सलमान से क्या है? मोहम्मद बिन सलमान का इससे क्या लेना देना है? चीन का इससे क्या लेना देना है? इन तमाम खबरों के बारे में नाज़रीन किराम आज तफसीलन डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त आपसे ये है कि साथ दीजिए। इस वक्त सही बात करने वालों और सच बात करने वालों के लिए आसानियां नहीं है, मुश्किलात ही मुश्किलात है, हर तरफ मुश्किलात है। किस किस्म का प्रेशर है, किस तरह से आवाजों को दबाया जा रहा है, वो आपके सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से चैनल्स रोके जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, पेजेस को हैक किया जा रहा है, तो इन चीजों को आप रोक सकते हैं। आप हमारा साथ दे सकते हैं सब्सक्राइब करके, आप हमारा साथ दे सकते हैं वीडियोस को शेयर करके, आप हमारा साथ दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करके। एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो नीचे जो भी अच्छी आपको खबर लग रही है, बुरी लग रही है, तनकीद है, तारीफ है, जो भी है उसे कमेंट करके उसमें जो है ना वो लिख दीजिए। तो जनाब ये दो बड़ी खबरें हैं, खबरें तो और भी हैं। पेट्रोल रात को सस्ता हो गया ना जाने कहां से, 15 रुपए जो है ना वो पेट्रोल और 8 रुपए डीजल। वैसे कुछ तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आज, तहरीक इंसाफ के लोगों की आजकल जो है ना वो मौलाना फजल रहमान से जो है ना वो जरा थोड़ी कुर्बतें हो रही हैं। तो एक जगह मैं कमेंट पढ़ रहा था कि पेट्रोल 15 रुपए सस्ता हुआ है और अरके गुलाब अरके गुलाब जो है वो 8 रुपए सस्ता हो गया है। तो ये काफी सारी खबरें हैं, लेकिन इमरान खान की इस कुछ देर बाद होने वाली पेशी से शुरू करते हैं और फिर इस्तीफा और फिर ये सारे मामला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जनाब ये है कि कुछ देर के बाद इमरान खान साहब को जो है ना वो पेश कर दिया जाएगा। कल से ये कन्फ्यूजन थी वो पेश होंगे या नहीं पेश होंगे, तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी के मुताबिक, अभी की दस्तयाब और ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मैं आपको बताऊँ, तो अडयाला जेल में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये इंतजाम हो गया है कि इमरान खान जो है वो पेश होंगे, वीडियो लिंक के जरिए वो बात करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, फिर क्या वो लाइव जाएगा? नहीं जाएगा। जी हाँ, वो लाइव भी जाएगा। इमरान खान नंबर वन पेश हो रहे हैं, नंबर टू इमरान खान लाइव भी जाएंगे। इमरान खान पेश भी होंगे, इमरान खान लाइव भी जाएंगे। हाँ, अब जो काजी साहब के साथ उनकी नोक झोंक होनी है वो है मजेदार असल चीज। काजी साहब अगर वैसे ही उन्हें टोकने की कोशिश करेंगे तो खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं पिछले एक साल से, उनके पास भी बड़ी सारी बातें करने के लिए होंगी, तो बाकी सारे जजेस भी बैठे हैं और दुनिया लाइव देख रही होगी, मजा आएगा। वो कहते हैं ना मजा आया, राहुल गांधी के स्टाइल में मजा आएगा। तो इंतजाम मुकम्मल हैं। हमारी इतराद ये है कि कोई इस टाइम तक ना शार्क मछली ने अपने दांत तेज किए हैं, ना इंटरनेट काटा जा रहा है, ना ही जो है ना वो इमरान खान को रोका गया है, और अभी तक की मालूमात के मुताबिक ना ही सुप्रीम कोर्ट को में जो है ना कोई परेशानी बन रही है। बल्कि इससे पहले इंतजार हुसैन पंजोथा, मुझे लगा है पहले नईम हैदर पंजोथा की मुलाकात हुई है, नहीं, इंतजार हुसैन पंजोथा और कल रात को ख्वाजा हारिस इमरान खान से मिले थे। तकरीबन 25 से 30 मिनट की ये मुलाकात थी और उन्होंने इमरान खान को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनके हवाले किए थे कि आपने अदालत के सामने, अदालत के रूबरू
क्या कहना है, क्या बातें होनी है, तो ये बात भी हो चुकी है। ठीक है जनाब, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये इस्तीफे वाला क्या चक्कर है। इमरान खान तो पेश हो रहे हैं, ये इस्तीफे वाला क्या चक्कर है? तो सुनिए जनाब, नुसरत जावेद साहब ने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है। मैं कोट अनकोट आपके सामने बात रखने की कोशिश करता हूं। नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, जो कि अब तक की इतलात के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, अगर मोहम्मद बिन सलमान बजट से पहले पहले पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की पूरी हुकूमत इस्तीफा देने जा रही है। ये नुसरत जावेद की खबर है। इसके ऊपर जो अदनान हैदर है उनके एंकर, उन्होंने टीज करते हुए कहा, यानी कि आप, यानी उन्होंने टीज करते हुए कहा, आप मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को जोड़ रहे हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के आने और जाने से। तो नुसरत जावेद 1 मिनट के लिए खामोश ठहरे, रुके और उन्होंने कहा, जी मैं जोड़ रहा हूं मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को शहबाज शरीफ के इस्तीफे के साथ, शहबाज शरीफ की हुकूमत के इस्तीफे के साथ। और अगर आप इसे मिलाकर देखें नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान के इस्तीफे की डिमांड के साथ, अगर मौलाना फजल रहमान के इस्तीफे की डिमांड के साथ आप इसे मिला के देखेंगे, तो आपके लिए चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। क्योंकि मौलाना फजल रहमान एवं कच्ची मिट्टी के ऊपर पाँव नहीं रखने वाले होते। मौलाना फजल रहमान साहब बड़ा सोच समझ, आज मौलाना फजल रहमान से ये सवाल भी हुआ ना कि आप ये बताइए कि एक तो ये है कि उन्हें उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरा सियासी बयान था। तो सबसे पहले तो वैसे तो मौलाना की कुछ चिट देने या ना देने से फर्क नहीं पड़ता है, सबको पता है कि इमरान खान किसका एजेंट है और क्या जो है ना उसके मोटिव्स हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, आज इमरान खान के माथे से वो भी हट गया जो कि दूसरे झूठा इल्जाम लगाते थे। उन्होंने खुद मान लिया कि हम सियासत की खातिर हम मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, और वो एक सियासी बयान था, यहूदी एजेंट वाला एक सियासी बयान था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो इमरान खान और मौलाना फजल रहमान नजदीकियां बढ़ रही हैं, NA 148 के अंदर दोनों इकट्ठे इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, और ये चीजें भी इस तरफ से जो है ना वो पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, यहां पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ना सिर्फ अगर अगर हम नुसरत जावेद साहब की इस खबर को गौर से देखते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि हमारे इर्द गिर्द और बहुत कुछ हो रहा है। जैसा कि आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसहाक डार भागे भागे चीन पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपको ये नजर आएगा कि सऊदीया से हमारी बात चल रही है। सऊदी एक बड़ा हाई लेवल का एक वफ्त यहाँ पर आया था, उसके बाद जो है ना वो शहबाज शरीफ वहां पर गए थे। फिर आपको ये भी याद होगा कि सरमाकारों का एक बोर्ड भी यहाँ पर आया था, तो हुआ तो बहुत कुछ था। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा तय था, एन मौके पर उसका कैंसिल होना इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि बड़ी ज्यादा गड़बड़ हुई हुई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ उधर हुई हुई है। अब तीसरा, अगर इस चीज को रिलेट करते हैं जी, कल रात पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, डीजल की कीमतों में कमी हुई है, 15 रुपये और 8 रुपये के हिसाब से। अब ये बहुत अच्छी बात है, वैसे तो ये कॉन्सपिरेसी थ्योरी है कि इसको वो जा रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे रिलेटिवली देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बैरल की फी कीमत के अंदर कमी वाकई हुई, जिससे इन्होंने पिछली हर दफा जो है ना वो उससे पैसे खा लेते थे। इस दफा इन्हें पता है कि अवाम बहुत तंग है, तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने कोशिश की कि हम जो है ना वो जाने देते हैं, इस दफा जो है वो अवाम को रिलीफ दे देते हैं। तो अवाम को वो रिलीफ दिया गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि नुसरत जावेद साहब की अगर खबर की तरफ देखा जाए, तो अब शहबाज शरीफ साहब को मालूम पड़ चुका है कि वो जाने वाले हैं, इसलिए वो जाते जाते कुछ इस तरह की एक एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, जिससे जब वो अवाम में जाएं तो उनके लिए कुछ आसानियां हो सकें, या वो सही बंदे के पुत्रों की तरह कौम का जो है ना वो आंखों में आंखों डाल सके। इसके अलावा नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज ये नुसरत जावेद साहब की खबर के अंदर इसलिए भी हमें वजन नजर आता है क्योंकि IMF से 4 साल बातचीत होने जा रही है। 4 साल पैकेज जो है वो डिसाइड होने जा रहा है कि आगे क्या होना है, क्या किस तरह से होना है, और उसको वो डिसाइड कर ही ये इसीलिए कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो इसी तरह से डिसाइड होगा। अगर मोहम्मद बिन सलमान से कुछ कमिटमेंट्स हों और चीन से कुछ कमिटमेंट्स हों पैसे आने की, वैसे तो चीन कहीं कुछ और ही कह रहा है, चीन इन्हें कह रहा है ऑफशोर अकाउंट बनाओ बाहर और उसमें पैसे रखो, यानी चीनी कंपनीज ये कह रही हैं। लेकिन अब तरले मिनते जारी हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो इससे लगता ये है कि वाकई शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान आ गए तो कुछ देर के लिए शायद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बच जाए, अदरवाइज खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।